अभी 12 बज गए हैं तो ये था, 20 था। 20 डिग्री के करीब टेम्परेचर है। यही है अलीबाबा कोई रेस्टोरेंट है मिडिल ईस्टर्न का। लोगों ने ये भी बताया कि नेट पे प्राइसेस कुछ और हैं, दुकान पे कुछ और हैं। ये तो खैर होता है कि मॉडर्न तो नहीं है, कंप्लीट हो जाएगी। सेंट जोन्स की फाइनली होम है मैरी ब्राउन। ये आ गए हमारे मैरी ब्राउन। अच्छी सी ब्राउन हो रही है यहाँ पे, छत भी ब्राउन है, चिकन भी ब्राउन है, हम दोनों रेड। आप देख रहे हैं एक्टिविटी। तो भाई एक बात है, शाम दे सटबरी सिटी, ग्रेटर सटबरी एरिया, मेट्रो सटबरी और डिस्ट्रिक्ट सटबरी। तो सटबरी सिटी में अभी 12 बज गए तो 20 डिग्री के करीब टेम्परेचर है। यही है अलीबाबा कोई रेस्टोरेंट है मिडिल ईस्टर्न का। लोगों ने ये भी बताया कि नेट पे प्राइसेस कुछ और हैं, दुकान पे कुछ और हैं। ये तो खैर होता है कि टिमोटन तो नहीं है, कंप्लीट हो जाएगी। सर होना नहीं चाहिए, इन्हीं घरों में से कहीं लग रहा है। पहुँच गए घर के अंदर, पागल है, कहाँ लगा लिया तूने? नहीं मतलब घर के बाहर ही दुकान होती है भाई, यहाँ तो तुम्हें पता ही है ना, यहाँ घर पे ही दुकान का नाम लिखा होता। अब आगे जा रहे हैं, गलत निकल गए, आगे निकल गए। भाई ये है ही नहीं ना यहाँ पे, इसका मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो गए हम लोग। ये तो नहीं है, 720 अपार्टमेंट नंबर, ये होगा ना इधर लगा हुआ। बाकी रेलवे ट्रैक क्या नीला नीला आसमान हो रहा है, जितना कैमरे में नजर आ रहा है ट्रैक एक्चुअली है नहीं। अलीबाबा कैफे रेस्टोरेंट, ट्राई आउट अवर डेली स्पेशल, चलो जाके देखते हैं। हलाल हो सबसे बड़ी बात ये है यार, खुशबू तो ऐसी आ रही है। मंडे 4 से 8, 4 से 9 लंच। फिर वापस मेरे ख्याल से पार्क लेके आ रहा है वो भाई। पिग निकल के करीब आ गए हम, पिग निकल देख ले पहले, आ जा जहाँ चलना है चलना है। बिग निकल तो करीब ही है इधर, इसी रोड तो बता रहा है। तो यार भाई अलीबाबा वाला भाई वो मिडिल ईस्टर्न बंदा है, बंदे से बात हुई। सॉरी ब्रदर, आई कांट हियर यू। ज़्यादा ब्रदर तो हम वो साउथ ईस्ट एशिया और ये मिडिल ईस्ट वाले ही बोलते हैं ना। बोला लंच के लिए आज मैं खुला नहीं हूँ। खुशबू ऐसी, खुशबू कैसी आ रही है कि अंदर कुछ ब्रेक हो रहा है। बोला लंच के लिए मैं खुला नहीं हूँ। यार ये तो गलत है यार, अपनी मर्जी से नहीं खुले हो यार, फाल करा दिए। अब क्या रिव्यू देना चाहिए ऐसे में, ऐसे में बंदे की हड्डी आती है। जैसे किसी बंदे ने रिव्यूज़ में लिखा है ना कि नेट पे रेट कुछ और आ रहे हैं, मैं आया कुछ और मांग रहा है। अब वो इतना उसने अपडेट थोड़ी की होंगे। चलो अब चलते हैं पिकनिकल जो जगह टूरिस्ट साइट है वो देखते हैं, और फिर ये बता रहा है मैरी ब्राउन हलाल चेन है कनाडा में ना मिडिल ईस्ट की, फिर वहीं चलेंगे। क्या घर का बैक यार्ड है, फिर कितना ज़बरदस्त है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा चैनल एक्टिविटी है। सुबह से शाम तक ज़िंदगी में जो कुछ होता है ये मुझे शेयर करना अच्छा लगता है, इसका जिक्र करना, बात करना, स्टोरी बनाना, वीडियो बनाना, इस पर मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आए तो बराए मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके अलावा ऑल नोटिफिकेशन के साथ बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम आने वाली वीडियोज़ की इत्तला आपको बरवक्त मिलती रहे। अगर आपको मेरी कोशिश नहीं भी पसंद आती है मगर अब YouTube के एल्गोरिथम की वजह से हमारे रास्ते टकरा गए हैं, तो बरवाए मेहरबानी जाते जाते कमेंट कर दीजिए। आपके इस कमेंट से किसी का भला हो जाएगा, सीखने का मौका मिलेगा और इंशाल्लाह मैं बेटर करने की कोशिश करूँगा। इस पर हलाल लिखा हुआ क्यों नहीं या नहीं है? नहीं तो नॉर्मली लिखते हैं ना लोग। ये वो ऑस्मोस है जो उधर से लिया था, उधर निकलते हुए ये मैरी ब्राउन है लाल चेन। सेंट जोन्स की फाइनली होम है मेलबर्न। हाय, फॉरगेट द ओरिजिनल इफ यू
ये बता रहा था ना रेट सस्ता मिल जाता है। मंडे तो आ गई है। वाह, प्रॉमिस टू यू फ्रेश फ्रॉम स्क्रैच। टेस्ट वगैरह अब देखते हैं टेस्ट कैसा रहता है। यहाँ भी लोग जो है ना ग्रे 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 हम बात कर रहे थे ना, बाकी खा के ही बताते हैं इसका रिव्यू। कितना टाइम लगेगा पता नहीं। ये आ गए हमारे मैरी ब्राउन, अब चीज ही ब्राउन हो रही है, यहाँ पे छत भी ब्राउन है, चिकन भी ब्राउन है, हम दोनों रेड। ये क्या कहलाते हैं, पोटैटो वेजेस, मुझे नहीं पता। और ये न्यूयॉर्क फ्राइज ही था ना, इसका वो स्किन भी है आलू की ना। यार ये वेजेस अच्छे हैं, वेजेस कहलाते हैं नहीं पोटैटो वेजेस हैं। टार्टर्स टार्टर्स अब इसकी जो सॉस आती है रेड वाली वो बड़ी जबरदस्त होती है। चिप्स तो यार बहुत टॉप है यार, टार्टर्स जो भी हैं वाह यार। मेरी मानी भी बनाती है घर में ना, दो तीन दिन मैंने खाए क्या। मैरी ब्राउन स्ट्रॉबेरी जनाब, पंद्रह परसेंट ऑफ मिलेगा, ये प्राइस है। वॉशरूम में दिखा दूंगा, ये बोलता है वॉशरूम भी दिखाएंगे। मैं ओवरऑल एम्बियंस का अंदाज़ा लगा रहा था ना, होटल देख क्या और हम दोनों भाई बाकी खाते हैं। बर्गर की शक्ल देख लो, ये खीरा टोर्च हो रहा था, खीरा वो था टोर्च इसको खाने का पता तरीका पता ना, रिवर्स खाना चाहिए। चाहिए वेजेस ज़्यादा अच्छा है, यहाँ तो बहुत भरा हुआ बर्गर खाने की आदत है ना मुझे तो। वेजेस या जो भी उनका नाम उन्होंने पर्टिकुलर दिया था, चीनी वाला नान कह दो या पिज़्ज़ा कह दो, फर्क हो जाता है ना चीज़ भाई। टेस्ट अच्छा है, अच्छा ये इनकी अपनी है, ये जेनरिक नहीं है। गुड यार, अपना क्या अच्छा पैक करा लिया होगा या बनाते होंगे, खुद बनाते होंगे तो यूनिक टेस्ट होगा, वो अलग बात है। उनसे अपने लिए छपा लिया होगा, उनसे अपने लिए बनवा लिया होगा, पैकेजिंग अपने नाम की, पीछे हाइंस लिखता हुआ है। वो पीने पीता नहीं हूँ, आज लिए है मैंने, थोड़ा एनर्जी लेवल डाउन फील हो रहा है ना इस वजह से, वरना मैं नहीं पता पेप्सी है सॉरी कोक बना। यूनिक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ अगेन, इसको इन चीज़ों का ज़्यादा अच्छी नहीं है, ऐसे यूनिक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि ना
ये चिकन है ना ऊपर इसकी क्रस्ट तो ऑयली है, उसमें ऑयल नहीं है ना चिकन में, जैसे स्मोक टाइप है, वैसे स्मोक से ज़्यादा बॉइल्ड लग रही है मुझे। मुझे लग रहा आप देखो ना वाइट वाइट वाली ऑयल नहीं है, अभी अल्टर क्रस्ट में ऑयल है। क्या वो भी कोई कैनेडियन सील्स का ही ऑयल है निकल का, जज भी नहीं हो रहा जब तक एसिड ड्रेन नहीं होगी। इनका स्लोगन वगैरह क्रेप डिलीशियस ओरिजिनल स्पाइसी। तूने स्पाइसी बोला था रेगुलर, लेकिन मैं समझा कि हॉट सॉस होगी वाला से लाल के उसमें मजा आ रहा है, मायो डालना नहीं है। पहले पता होता ना हॉट सॉस खत्म होती है तो मैं स्पाइसी वाला ही बनाता। और ये है ना यही स्पाइसी वो होती है उसकी जो वो क्या बोलते हैं पहले जो मसाला जो लगता है उसमें स्पाइसी लगा होता है। शकल भी बता दिए बिग मैगी कैम्बो आ गया कन्वीनियंस ऐप के थ्रू नैशविल स्वीट स्मोकी स्पाइसी फ्लेवर फ्यूजन। ये इनका वॉशरूम हो गया, लेडीज के वॉशरूम का दरवाजा बन सकते हैं भाई। ब्लू लाइट यूरिनल ब्लू कलर अच्छा लग रहा है यार, फर्श भी गिरी है दीवार यहाँ भी बना हूं मैं ही हूं ना पागल मैं ही बनाता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना, मिलता है वीडियो में।